बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक की तैयारी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाज़िर है। रहमतों और बरकतों का ये मुकद्दस महीना रमज़ानुल मुबारक, और इससे जितनी भी नेकी की जाए कम है, और ये भी देखा जाए कि अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि हदीस और कुरान पाक में भी इस चीज़ का जिक्र आया कि अपने पड़ोसी का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए। और आज शहरी जो है मदर अवान और मोहम्मद जो रऊफ़ साहब है, इनकी रिहाइश गाह पर हो रही है, इन्होंने अपने दोस्तों के लिए शहरी का एहतमाम किया है। हमारे प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से होगा, और हमारे साथ कारी फतेहुल्लाह साहब जो है तिलावत कलाम रब्बानी से हमारे दिल को मुनव्वर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين صدق الله العظيم। قاري فتاوله صاحب तिलावत कलाम रब्बानी थे हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे थे, और यकीन तो फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना आते ही गली कूचों और बाजारों में तिलावत कलाम पाक और खुसूसी तौर पर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ें गूंजती हैं। हमारे साथ गुलाहे अकीदत में मुमताज़ तनाखाने रसूल नात ख्वा तला कादरी हमारे साथ एक खूबसूरत नात पेश करेंगे, और गुलाए अकीदत का नगराने में हमारे भी दिलों को अपने साथ शामिल करेंगे। जनाब कारी तला कादरी साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो गुलाए अकीदत में नगराना हदिया नात पेश करें। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। यूँ हो शोके रद मफ लूज हुए, यूँ हो शोके रद मफ लूज हुए। दिल जौके तमाशा भूल गया, यूँ हो शोके रद मफ लूज हुए। दिल जौके तमाशा भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। तनखाने रसूल तला कादरी गुलाए अकीदत का नजराना पेश कर रहे थे, और यकीन तौर पे कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला तहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है, और इनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ अल्लामा कारी मोहम्मद अदीम साहब रमज़ानुल मुबारक के हवाले से फ़रीद की फजीलत के हवाले से एक रोशनी डालेंगे। अल्लामा कारी मोहम्मद अदीम साहब जो रमज़ानुल मुबारक की फजीलत के हवाले से रोशनी डालेंगे। अल्लामा कारी मोहम्मद अदीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी गुजारने का एक तरीक़ा अता फरमाया है, और ज़िंदगी गुजारना ये अल्लाह ने इंसानों को सिखलाया है कि आपने दुनिया में जो ज़िंदगी गुजारनी है वो इत्तेबा में ज़िंदगी गुजारनी है।
और इत्तेबा सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं, और जो इंसान अल्लाह की इत्तेबा करता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। और अल्लाह की इत्तेबा, अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी, और अल्लाह ने जो चीज़ें, जो अहकामात हम पर फ़र्ज़ किए हैं उनकी पाबंदी करना, ये ईमान है। जिस तरह हम पर नमाज, ज़कात, हज ये चीज़ें फ़र्ज हैं, इस तरह साल में हम पर अहम फरीज़ा इबादत का अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक भी हम सब को, मुसलमानों को अता फरमाया है। दुनिया की हर इबादत वाज़े है कि उसका तरीक़ा अपनी तरस का है। नमाज का हुक्म अपनी जगह पर, उसका तरीक़ा अलग। हज का तरीक़ा अपनी जगह पर, उसका तरीक़ा अलग। लेकिन रोज़ा ऐसा है कि रोज़ा रखने वाला, उसने रोज़ा रख लिया और रोज़ा मख्फी है। एक आदमी सहरी करके और उसने दुआ की और उसका ताल्लुक किसी इबादत, किसी इंसान से अब नहीं है। वो बाहर आता है, कहता है मैंने रोज़ा रखा है, चाहे जाए कि उसका रोज़ा नहीं है, लेकिन वो कहता है मैं रोज़े से हूँ। अब इसकी दलील कौन देगा? सिर्फ अल्लाह की ज़ात को इल्म है, बाकी किसी इंसान को इल्म नहीं है। अल्लाह की सिफत सत्तार है कि हम सब के गुनाहों पर अल्लाह ताला ने पर्दा पोशी फरमाई है। ये रोज़ा जो है, इसका डायरेक्ट जो इसका ताल्लुक है वो अल्लाह की ज़ात से है, अल्लाह से जुड़ा हुआ है। कि इन्होंने सहरी की और अफ्तार के वक़्त तक फरमाया कि ये रोज़े की हालत में है, तो इस वक़्त तक इस इंसान की अंदर की जितनी भी ताकत है गुनाहों की, वो ख़त्म हो रही है। अब इसके अंदर ईमान की ताकत बढ़ रही है, नमाज की, इबादत की, ये ताकत इसमें बढ़ रही है। और इसमें क्या मिल रहा है? इसमें अल्लाह ताला का कुर्ब और मोहब्बत अल्लाह की मिल रही है, अता मिल रही है। एक हदीस पाक का मफहूम में फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ेदार की मुंह की बदबू मेरे नज़दीक मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सारी दुनिया की मखलूक़ात इस रोज़ेदार के लिए, जब ये रोज़े के वक़्त पर अपने घर पे मौजूद है और अफ्तार का सामान इसके सामने है, ये हुक्म में पाबंद है, खा नहीं सकता। भूख की शिद्दत, ये अब ईमान है। पानी मौजूद है, अंदर तलब तड़प मौजूद है कि मैं पानी पीऊँ लेकिन नहीं पीना। क्यों? कि अल्लाह के लिए इसने भूखा रहने का अपने लिए नियत और इरादा कर लिया। अब ये क्या है? ये ईमान है मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों। ये ईमान जो है हमें अल्लाह के करीब पहुंचाता है। और फरमाया कि जिस तरह हम सुबह सहरी से लेकर अफ्तार के वक़्त तक हम पाबंद हैं कि जिस तरह हमें भूखा रहने का सिर्फ रोज़े का नाम नहीं कि हमें सिर्फ भूखा रहना है, हमारा रोज़ा हर बुराई से दूर है, हमें गुस्से से इज्तनाब करना है, हमें बुरे गीबत से इज्तनाब करना है, हमें झूठ से इज्तनाब करना है, हमें इसी तरह बुराई देखने से इज्तनाब करना है, हमने अपने रोज़े को बचाना है, हमें नरमी इख्तियार करनी है। और नरमी के साथ और आसानी के साथ हमने अपने इस रोज़े को अपने वक़्त तक के टाइम के अंदर इबादत के साथ अपने रोज़े के वक़्त को, पीरियड को पूरा करना है। और इसी तरीके से हमने जो है नमाजों का अहतमाम करना है। रोज़ा जो है एक तकवा है, जिस तरह हम इस एक महीने की प्रैक्टिस के अंदर अपने आप को इसका पाबंद बनाते हैं, तो हमें इसके अलावा जो 11 महीने हैं उन 11 महीनों में भी हमने अपनी रूटीन को इसी तरीके पर चलाना है कि मेरी रूटीन इसी तरह हो कि मैं बुराई से दूर रहूं। रोज़ा रखने का मकसद ये नहीं है कि आपको भूखा रखा जा रहा है, आपको इस पर लाया जा रहा है कि आप अल्लाह के तमाम अहकाम के पाबंद बन जाइए। जिस तरह मर्द हैं इसी तरह खवातीन के लिए भी है भाई, कि इसी तरह हमारी इस रोज़े की कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हमारे रोज़े को खराब कर दिया जाए। जिस तरीके से इसकी एक मिसाल सिंपल से आपको दूं कि एक जग पानी मौजूद है और उसमें थोड़ी सी अगर गंदगी आ जाए तो वो पूरा खराब हो जाता है। इस तरह हमारा रोज़ा मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उन्हें उनसे हमें बचाना है कि जिसमें खासकर लड़ाई, गुस्से पे काबू ना रखना और गुनाहों से ना बचना, और इसी तरीके से हर चीज़ के ऊपर हमें अपने बदन पर काबू रखना है। और जिस तरह इसकी फजीलत है मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों के, एक अदीस पाक जो मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई कि अल्लाह ताला ने इस रोज़े को ईमान वालों पर फ़र्ज किया और फरमाया कि इस रोज़े की जो जजा है मैं अल्लाह तबारक व ताला खुद उसकी जजा हूँ।
हर चीज की सवाब है, लेकिन रोजे का सवाब यह है, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं इस रोजे की खुद इसको अजर अजीम अता फरमाऊंगा और इसकी मगफरत फरमाऊंगा। और इसी तरीके से जिस तरह हमें सहरी का इंतजाम करना है, एक तो खाने पर जो सवाब है वो तो है, लेकिन जिस तरीके से सहरी को खवातीन घर में इसका अहतमाम करती हैं, इसके लिए उठना, मेहनत करना और घर के अंदर एक फिक्र पैदा करना, अपने घर वालों के लिए जो है सहरी का इंतजाम कर रही है और भाई हर एक की पसंद की चीज उसके लिए बनाई जा रही है, तो इसी तरीके से इस रोजे रखने वाले को तो सवाब मिलेगा। लेकिन जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, हमारे घर में खवातीन, हमारी माएँ बहनें अफतारी के वक्त में इसकी अहतमाम हो रहा है और सब लगे हुए हैं, तो इनका अजर अल्लाह तबारक व ताला उनको डबल अता फरमाते हैं। और इसी तरीके से फरमाया कि हमारे घर के अंदर जिस तरीके से ये अहतमाम हो रहा है, इबादत का अहतमाम भी हमारे यहाँ रमज़ानों में बढ़ जाता है कि भाई तरावी हो रही है। और इसी तरीके से फरमाया कि सहरी के लिए उठना, अब हर आदमी उसके लिए तहज्जुद का अहतमाम भी कर लेता है कि भाई उठे हुए हैं, मौका है, तो इस तरह तहज्जुद हमारे पूरे महीने में चल रही है, नमाजें हमारी पूरी हो रही हैं, रोज़े हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं, गुनाहों से बचे हुए हैं, झूठ नहीं बोलते, कोई भी ऐसी बात हमसे नहीं होती, आम रूटीन में हो जाती है। लेकिन दूसरा आदमी कहता है भाई देखे मैं रोजे से हूं, जरा ख्याल करें अब, है ना। तो रोजे का माना यह है कि एक ढाल है आपके ईमान की, जिस तरह आप अपने ईमान को बचा रहे हैं तो रोजा आपके पूरे ईमान की हिफाजत कर रहा है। तो मेरे दोस्तों इसी पर हम अपने ईमान को, इन रोजों को हम इसकी जो है ना इसको सीखें कि भाई मेरे रोजे को किन किन चीजों से खराबी है, तो इस तरह हम अपने इन रोजों के अंदर पहला आशरा रहमत का है, मगफिरत का है और जहन्नम से खुलासी का है, तो इस तरीके से हम अपने इस रमज़ान में अफ्तार के वक्त की दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको, पूरे उम्मत मुस्लिमा को इस रमज़ानुल मुबारक की बरकतें खैरें हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला पूरी उम्मत को इत्तेफाक हिदायत नसीब फरमाए और सबको अल्लाह ताला सेहत कामिला आजला मुस्तमर नसीब फरमाए और जितने मुसलमान घरों में अस्पतालों में बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शिफा नसीब फरमाए। व आखिर दुआना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कारी मोहम्मद अदीम साहब रमजान मुबारक के हवाले से अपनी फजीलत में रोशनी डालने थे, उनका यही कहना था कि इस माह के अंदर तीन अफराद की बख्शिश नहीं होगी, बल्कि एक आयत के इन्होंने ये भी कहा कि इस माह का पहला अशरा यानी कि रहमत, दूसरा है मगफरत और तीसरा निजात है। तो रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में जितनी भी नेकी करें वो कम है और औरत को भी ख्याल रखना चाहिए। चलते हुए छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और चलेंगे सहरी के दस्तरखान पे जहाँ मज़ेदार खाने रखे हुए और मदर इमाम और रऊफ से जो दोस्तों के लिए आज एहतमाम किया उनकी भी बातें होंगी बड़ी ज़बरदस्त। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ कारी मोहम्मद अदीम साहब जो है रमजान मुबारक की अहमियत पर रोशनी डाल रहे थे और हमारा ब्रेक पे हम गए तो वहाँ देखा तो ज़बरदस्त खाने रखे और हमारे साथ सैयद आली रजा साहब भी मौजूद हैं और ये शहरी के दस्तरखान पे काफ़ी देर से देख रहा था कि खानों पर नज़र रखे हुए थे, कब खाना शुरू होगा और हम शहरी करेंगे, मगर इनसे शहरी से पहले हम इनसे प्यारी प्यारी बातें करते हैं क्योंकि जब रमजान मुबारक आता है तो किसी की माँ इस वक्त दुनिया में नहीं है और किसी की माँ दुनिया में तो वो जन्नत है, वो चली गई तो वो भी जन्नत है। तो आले साहब से हम बात करते हैं। आले साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताइएगा कि आप रमजानुल मुबारक का ये मुकद्दस महीना है और मदर और रऊफ ने एक तहरीक का इस्तेमाल किया, तो क्या समझते हैं कि आज इस तहरीक के ऊपर आप क्या कहेंगे? बस आमिर, जैसे अपनी वालदा का नाम लिया है, माँ मुझे बहुत याद आती है और मैं शहरी में भी उनकी सूरह फातिहा पढ़ता हूँ और जब रोज़ा भी खोलता हूँ पहले फातिहा पढ़ाता हूँ अपने बच्चों से भी, अपने आप से, माँ बाप पेरेंट की दोनों की फातिहा पढ़ के फिर मैं रोज़ा खोलता हूँ। अच्छा आले साहब, ये बताइएगा कि आपने माँ का जिक्र किया तो आपको सहरी अपनी वालदा के हाथ की थी या अपने बेगम के हाथ की अच्छी लगती है? नहीं, दोनों। आज तो तुम्हारा बच्चा बैठा है, बेटा ही बेटा है। मेरी वालदा मुझे बड़ा ख्याल रखती थी और बेगम भी मेरा ख्याल रखती थी। तो मतलब बेगम से डर के मारे बोलने बच्चे के सामने या वाकई सच्ची बात कर रहा है? नहीं, सच्ची मैं बात कर रहा हूँ। बेगम भी मेरी जो सहरी वेरी कराती है, रोज़ा भी खुलवाती है, अच्छे तरीके से इंतजाम करती है और खुशी खुशी करती है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पुलिस में और आपके रोफ की वजह से वो आपको सैरी अच्छी देती हूँ? नहीं, पुलिस का माहौल मेरे घर में नहीं है। मेरा माहौल अपना एंजॉय अच्छा घर में बनाया हुआ मैंने अपनी बीवी बच्चों के साथ। अच्छा, सैरी में आप क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं सैरी में लस्सी और एक रोटी खाता हूँ, बस लस्सी पीता हूँ और रोटी खाता हूँ। तो मदर ने लस्सी का भी इंतजाम किया हुआ है? हाँ, मदर साहब की मेहरबानी है जो इन्होंने आज खास तौर पे मेरे लिए रस्सी का भी इंतजाम किया हुआ है। देखिए, आपके साथ दादे बैठे हैं, सच सच बताइएगा कि आप रोजे पूरे रखते हैं या छोड़ देते हैं? नहीं, रोजे तो मैं पूरे बचपन से रखता हूँ। देखिए, आपका बेटा गवाही दे रहा है कि रोजे पूरे रखते हैं। हाँ, गवाही, मैं रोजे तो मैंने जब से होश संभाला है कभी जिंदगी में रोजे छोड़े ही नहीं है मैंने आज तक, और ना नमाज छोड़ी है। ये मेरी माँ की तरबियत है। अच्छा आल साहब, कभी आपने सोचा कि रमजान का महीना मुकद्दस महीना आता है, बन मुट्ठी लोगों की मदद की जाती है, तो क्या ऐसा सिलसिला भी आप लोगों की तरफ से सिलसिला जारी है पुलिस डिपार्टमेंट से खुसूसी तौर पे? अच्छा। कहा जाता है कि रमजान में वो आते हैं और इफ्तारी ठेले से फ्री में ले आते हैं, तो ये सिलसिला कभी ऐसा सामने आया? नहीं, मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं किया है। आपने तो नहीं किया, मगर कुछ लोगों ने किया। कुछ होता है, मैं वो रोजा वोजा कितने सच्चाई से बातें करना गलत हो जाता है, फिर रोजा नहीं होता, वो झूठ होता है। अल्लाह से डर होता है, जो अल्लाह से नहीं डरा तो हमसे क्या डरेगा। अच्छा, हमारे साथ सैयद आले रजा साहब बात कर रहे थे तैयारी के तैयारी के हवाले से, बड़ी सच्चाई से बात की कि पूरे रोजे रखते हैं, खुसूस अपनी वालदा का जिक्र किया, तो यकीन माँ की कमी तो हर शक को महसूस होती है, क्योंकि जब माँ जिंदा होती है तो अपने हाथ से प्यारे प्यारे अपने बच्चों को पराठे खिलाती है, चाय बनाती है, और फिर यकीन तौर पर थोड़ा सा झगड़ा मियाँ बीवी में ज़रूर होता है, क्योंकि मेरी माँ की आती चीज़ अच्छी थी और आपकी बेगम ने अच्छी नहीं बनाई थी। हमारे साथ अदनान अहमद सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, क्योंकि तहरीक दस्तरखान पर मौजूद। अदनान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अदनान साहब, ये बताइएगा कि आज मदर रहमान और रऊफ ने तहरीक का इहतमाम किया है, कारी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त जो है रमजान मुबारक के हवाले से फजीलत पर बयान किया, किरत भी हुई, नात भी हुई, तो आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा इस तरह सहरी के दौरान देखते हुए मदर भाई और रूफ भाई ने मुझे दुनिया बुलाया यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा। तो आप क्या समझते हैं कि आपको अपनी बेगम की हक की सहरी या वालदा वाली? नहीं, वालदा की बातें अलग होती है, मगर ये कि बेगम भी अच्छी बनाती है। अच्छा, मतलब डर के बोल रहे हैं या सच्चाई से? सच्चाई से बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, बेगम के हाथ में मेरा अजान था, मैंने आपके चेहरे से अंदाजा लगा आपने बचपन में रोजे जरूर, जब रोजा रखा होगा, स्कूल से आया पानी पी लिया, तो बिल्कुल सच नहीं, मैंने कभी ऐसा किया नहीं, और अल्लाह का शुक्र है कि पूरे रोजे रखते हैं, कभी रोजे छूटे नहीं है। मतलब रोजे तो नहीं छूटे, मगर जैसे कि स्कूल गए रोजा रख लिया, कभी ऐसा हुआ नहीं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, मैंने सुना है कि आप स्कूल जाते थे और स्कूल से टुल्ला लगाते थे, तो ये भी कर लेते थे, तो अब्बू ने बहुत मारा? नहीं, मारा नहीं, पता ही लगता था। तो नहीं नहीं, मारा तो होगा, क्योंकि जब मारते हैं तो फिर अम्मी पे आते थे ना, वो अम्मी बीच में आ जाती है कि प्यार से जब मारे टाइम पे आते थे। अच्छा, मतलब टुल्ला मार के, तो टुल्ला मार के क्या करते थे, कुछ मतलब फिल्म में चले आते थे? अरे, कभी रमजान में गैदरिंग में बैठे रहते थे? अच्छा, कभी रमजान मुबारक के अंदर आपने टुल्ला मारा स्कूल में? नहीं नहीं, कभी नहीं। नहीं मारा? नहीं मारा, ऐसा लग रहा है जब आपने टुल्ला मारा जरूर मारा होगा, रमजान में नहीं किया कभी। अच्छा, हमारे साथ अदनान अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद थे, और ये कह रहे थे कि मैंने रमजान मुबारक के दौरान टुल्ला नहीं मारा, मगर आम दिनों में मारा है, मगर ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तालीम पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। और आज हमारे साथ वो भी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम मदर अवान है, और ये साबिक सेक्रेटरी जोन सेविन के हैं और थे, अब तो जोन भी ख़त्म हो गए, अब तो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेटर है, मगर इनका ताल्लुक मजहबी घराने थे, क्योंकि इनके दोनों साहबजादे हाफिज़ुल कुरान हैं, और ये बड़ी बात है कि जिनके घर में हाफिज़ुल कुरान हो उन्होंने जन्नत का दरवाज़ा खोल लिया, और मजीद जो सहरी और दिगर एहतमाम भी करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि इनके अंदर जज्बाए इस्लाम है। मदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मदर साहब, ये बताइए कि आप खेलों की सरगर्मियों के साथ साथ आपने अपने बच्चों को एक अच्छी दीनी तालीम दी और हाफिज़ुल कुरान बनाया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, खेलों की सरगर्मियाँ, इसके कारोबारी सरगर्मियाँ, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर जो हाफिज़ुल कुरान है और हमने अपने बच्चों को जो है इस्लाम की तरफ अगर लेके जाने, ये हमारा फ़र्ज़ है। सबसे पहला फ़र्ज़ हमारा यही है कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की तरबियत दें, ताकि जब हम लोग यहाँ से इस दुनिया से चले जाएं, तो हमारे बच्चे हमारे पीछे जो है वो हमारे लिए जो है वो सवाब का ज़रिया बने। तो ये बहुत ज़रूरी है, बल्कि हर मुसलमान को चाहिए कि अपने बच्चों को जो है वो इस्लामी तरबियत से आशना करें, और यही हमारा फ़र्ज़ है और यही सारे मुसलमानों का फ़र्ज़ है।
तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो है हम अपने बच्चों को इस्लाम की तरफ रागब करें, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया चल रही है, इस वक्त की जो माहौल चल रहा है, इसमें सबसे पहला हमारा मकसद हमारा ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस्लाम की तरफ रागब करें, ताकि जो इस तरह का फाशी का जो आजकल जो सैलाब बना हुआ है उससे हमारे बच्चे कम अज़ कम बच सकें। अच्छा, मतलब आज कारी मोहम्मद अदीम साहब ने बड़ी ज़बरदस्त जो रमज़ान मुबारक के हवाले से रोशनी डाली है, और आले साहब ने कहा, जिक्र किया कि माँ का, तो माँ एक जन्नत, तो आपकी वालदा मोहतरम माशाल्लाह आयात है, तो आप उनकी खिदमत किस अंदाज से करते हैं, बीवी की खिदमत ज़्यादा कर रहे हैं या माँ की? देखें जी, बीवी जो है अपनी जगह पे है, उसकी भी हमें इज्जत करनी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि वो भी किसी की बेटी और किसी घर से हम लेकर आते हैं। और जहाँ तक माँ का सवाल है, माँ का, माँ अपनी जगह पे है और उसका मर्तबा कोई भी ले नहीं सकता, उसकी जो है पाँव तले जन्नत है, और जिनकी माएँ जिंदा हैं वो क्यों ना अपने माँ की खिदमत करें। देखें, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो इस वक्त जब माँ बाप जिंदा होते हैं तो उनको ज़्यादा उनकी खिदमत नहीं करते, और जब वो मर जाते हैं तो बड़े बड़ी जो है ना खूबसूरत किस्म की जो है ना उनकी कब्रें बना देते हैं, संगमरमर लगा देते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर वो दुनिया में हैं तो उनकी खिदमत करनी चाहिए, ताकि हमें जो है ना उनकी जो है खिदमत करके उनसे जो है जो उन्होंने हमें तरबियत दी है, हमें बचपन में पाला है, गर्मी सर्दी उन्होंने सही अजारी बातें उन्होंने हमारे लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं उस कुर्बानी के सिलसिले में, तो हम सारी ज़िंदगी भी लगे रहें तो हम उनका मुकाबला। अच्छा, मतलब ये तहरीक का इत्माम करने का ख्याल क्यों आया अपने दोस्तों के अंदर? देखिए, ये हर साल हम लोग करते हैं, और ये एक हमारी गेट टुगेदर होती है रमज़ानों में। वैसे रमज़ानों के बगैर तो हम लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं, मगर रमज़ानों में ऐसा होता है कि हम लोग जो है ज़्यादा बिजी होते हैं। जैसे हमारे काई साहब हैं, मेरे काई साहब जो है मेरे बच्चों को ही हिफ्ज़ करवा रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो है मेरे छोटे बेटे को यही करवा रहे हैं, मेरा बड़ा बेटा तो खैर तरावी पढ़ा रहा है, वो माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है, तो इस वक्त उन्हीं के पास है, और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको भी ज़िंदगी दे। हमारे साथ मदर आवान साहब मौजूद थे, और रमज़ानुल मुबारक का आज इन्होंने तहरीक का एहतमाम किया है, और हमारे साथ एक बड़ा खूबसूरत सा बच्चा है, और हम चाहेंगे कि इससे भी प्यारी प्यारी बातें हों, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर बच्चे तहरीक के टाइम उठते हैं और उठ के गली कूचे में क्रिकेट खेलते हैं, शोर करते हैं, किसी के शीशे तोड़ते हैं, मगर रोज़ेदार लोग जो होते हैं जिनके शीशे टूटते हैं वो सब्र करते हैं, क्योंकि रमज़ान में सब्र का दर्द दिया है, तो ये फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ का कि रमज़ान के अंदर क्रिकेट खेलो, गेंदते उनके शीशे तोड़ दो, भूलने वाला तो कोई नहीं होगा। और तो बहुत प्यारा सा बच्चा मौजूद है, और इससे बड़ी करेंगे ज़बरदस्त बातें। बेटा, ये बताओ कि आप रोज़े पूरे रखते हो? जी इंशाल्लाह। है, रोज़े पूरे रखते हो? जी। अच्छा, ये बताओ कि रोज़े में कहीं घर से आके पानी तो नहीं पीते हो? नहीं। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने जा रहा है, तहरीक का ऐसा ना हो कि बातों बातों में तहरीक का वक्त ख़त्म। अगर हम तहरीक के इख्तिताम से पहले एक और नात गुलाई अकीदत में ज़बरदस्त नात को हमारे साथ मौजूद है तलाक कादरी साहब, उनसे एक बार फिर दरख्वास्त करेंगे कि वो गुलाई अकीदत का नजराना पेश करें। ओ करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा, ऐ दो जहां के ताजदार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना शहे आली वकार, हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। गुम्बदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ, गुम्बदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ, याद आती है बहुत रमज़ान तैबा की बहार, हो करम
सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। आतला कादरी गुलाई अकीदत का नजराना पेश कर रहे थे और तहरी का वक्त हो चुका है और आप लोग भी तहरी करें और हम भी तहरी की तरफ चलते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि तहरी का अब वक्त ख़त्म हो जाए। प्रोग्राम तहरी की तैयारी से आपके मेहमान रफीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। नए दस्तरखान पे कल नए दोस्तों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।